हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये सेशन है टॉप 20 एमसीक्यू से रिलेटेड, जो कि इसका पार्ट 5 है। गाइस, पार्ट 4 तक जो भी एमसीक्यूज हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो सेशन है ये एज ऑलवेज ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सबको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है या अपने नोटबुक में डाउन करते चलना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए क्या उपयोग करते हैं। इसमें आपके सामने ऑप्शन ए है स्विफ्ट, बी है एफएससी, सी है नेफ्ट, डी है नन। गाइस, इसमें आपको बताना है कि जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हो, लेन देन करते हो इंटरनेशनली, उसमें कौन सा यूज होता है स्कीम। तो हम बोलते हैं इसमें ऑप्शन ए स्विफ्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। पहला ऑप्शन है यस रैम, बी है ईपी रोम, सी है एसडीडी, डी है नन। गाइस, इसमें सेकेंडरी मेमोरी बताना है। आपका जो ऑप्शन ए है और सी है गाइस, बी है, इसमें तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और डी है नन, जिसमें ये बताना है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं राइट आंसर कौन सा है गाइस। तो राइट आंसर आपका है एसडीडी, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। आपका जो यस रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का टाइप होता है, जो कि इंटरनल मेमोरी है यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। आपका ईपी रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये रोम का टाइप है, जो कि ये भी इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सीडी किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, सी है स्टोरेज, डी है ऑल। गाइस, आपको बताना है जो सीडी है वो किससे रिलेट करता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट है, स्टोरेज। आपको समझ में आ गया होगा कि हम सीडी का यूज करते थे, पहले आता था सीडी गाइस, जिसमें मूवीज आती थी, गोलाकार की होती थी, तो ये स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 MB से 700 MB तक। आगे बढ़ते हैं गाइस। डीवीडी का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटली वर्साटाइल डिस्क यूज, ऑप्शन सी है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ऑप्शन डी है नन। आपका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। कभी कभी गाइस जो आपका ऑप्शन में डिजिटल वीडियो डिस्क भी आता है, जैसा कि ऑप्शन ए देख रहे हैं, आपको प्रायोरिटी वर्साटाइल को देना है, अदरवाइज बीसी बोथ अगर करके आएगा तो आप वो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डग डग गो क्या है। पहला है वेब ब्राउजर, बी है सर्च इंजन, सी है वर्ड नेम, डी है नेटवर्क। आपको बताना है गाइस डग डग गो क्या है। तो राइट आंसर आपका बी, सर्च इंजन है। जी हाँ गाइस, जैसे हमारा गूगल क्रोम है, वैसे ही आपका डग डग गो है, जिसके हेल्प से हम कोई भी कीवर्ड देकर अपना मैटर सर्च करते हैं। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पर। जी आई जी ओ वर्ड किससे रिलेटेड है। पहला है एक्यूरेसी, बी है वर्साटाइल, सी है ऑटोमेटिक, डी है रिलायबिलिटी। गाइस, आपका जो राइट आंसर है वो एक्यूरेसी है। इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा हो गाइस सेशन, तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, और काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। वाईफाई पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 8, बी है 16, सी है 32, डी है 63। तो राइट आंसर है गाइस 63, यानी कि आपका जो वाईफाई पासवर्ड होता है वो 63 डिजिट का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ODF का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, सी है ओपन डिस्क फाइल, या डी है नन। गाइस, जो ODF है ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है, और आपको भी पता है आपके ट्रिपल सी का नया सिलेबस है लिब्रे ऑफिस का, तो इससे तो क्वेश्चन आना बनता ही है पेपर में। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान देकर अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन ए ओपन डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं गाइस। NEFT में टोटल कितने बैच होते हैं। NEFT ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो अमाउंट ट्रांसफर होता है, जैसे RTGS, NEFT, IMPS होता है, तो उसमें NEFT में पूछा गया है गाइस कितने बैच होते हैं। तो पहला है 12, बी है 23, सी है 24, डी है 11 बैच। तो इसमें राइट आंसर है आपका 23 बैचेस। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्न में से सबसे बड़ी फाइल कौन सी है। ए KB, बी GB, सी ZB, या डी TB। इनमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सबसे बड़ी फाइल का बताना है। KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट, ZB जेटाबाइट, और TB टेराबाइट। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी, या हम बोल सकते हैं फाइल कौन सी है। तो गाइज वो है ZB जेटाबाइट।
आगे बढ़ते हैं। ARBS का पूर्ण रूप क्या है? ये पेपर में तो अनगिनत बार पूछा गया गाइस, तो क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन ए है आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी है आधार बेस्ड रिन्यूअल सर्विस, ऑप्शन सी आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, या डी है नन। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। आगे बढ़ते हैं गाइस। डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ जाता है? ईमेल से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है ट्रैश मेल, बी है सेंट मेल, सी है इनबॉक्स, डी है आउटबॉक्स। तो गाइस जो आप डिलीट करते हैं मेल, वो जाता है आपके ट्रैश में, यानी कि ट्रैश मेल भी बोल सकते हैं या हम बिन भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। chacha.com क्या है? ऑप्शन ए है ब्राउजर, ऑप्शन बी है फनी वेबसाइट, सी है सर्च इंजन, या डी है सोशल नेटवर्क। तो गाइज ये जो आपका chacha.com है, ये सर्च इंजन है। DuckDuckGo, Baidu.com, Google.com, ये सब आपके हैं सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2002, या डी है 2000। मोजिला फायरफॉक्स गाइस एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचना को ब्राउज करते हैं, तो इसका राइट आंसर है 2002। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है, विंडो 10 में मिलने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन सी मोजिला, ऑप्शन डी क्रोम। आपको बताना है गाइज इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विंडो 10 में वेब ब्राउजर के रूप में पाया जाता है, तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन विंडो 11 में नहीं है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन ए हेल्प, ऑप्शन बी रिफ्रेश, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी पॉपअप। आपने इसके पहले रिफ्रेश काफी ज्यादा यूज भी किया होगा अपने सिस्टम में, वो आपके विंडो 11 में नहीं पाया जाता। इसमें आपका राइट आंसर है रिफ्रेश। डॉट नेट किससे संबंधित है? गाइज ये डोमेन नेम का क्वेश्चन है, डोमेन नेम अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है नेटवर्किंग, बी है इंटरनेट ऑर्गेनाइजर, सी है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, डी है नन। पहले मैं बता दूं गाइज, डोमेन नेम किसी भी साइट को आइडेंटिफाई करता है कि वो साइट किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको बताना है कि डॉट नेट किससे संबंधित है, तो वह है ऑप्शन सी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से। आगे बढ़ते हैं। उबंटू किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो गाइस। ऑप्शन ए है कैनोनिकल लिमिटेड, ऑप्शन बी है ऑरकल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी है नन। आपको बताना है उबंटू किसने लॉन्च किया। गाइस उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये ओपन सोर्स इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसको यूज करने के लिए हमें कोई भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली नेट से ही इसको डाउनलोड करके अपना चला सकते हैं, और ये यूजर फ्रेंडली भी है, काफी अच्छा है, वायरस रहित होता है। तो इसमें देखते हैं, राइट आंसर है आपका कैनोनिकल लिमिटेड, यानी कि उबंटू कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा आया। 19 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ओ या आरएस का पूर्ण रूप क्या है? वैसे डॉक्टरेट लाइन में कुछ और होता है, पर यहाँ कुछ और है, तो देखेंगे उसी हिसाब से। ऑप्शन ए है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन बी है ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट, ऑप्शन सी है ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ऑप्शन डी है नन। गाइज आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये होगा आपका ORS का कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर की दुनिया में इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, आपका आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप काफी अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया होगा, और ये इस सेशन का सबसे फनिस्ट क्वेश्चन है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है विंडो में सर्च की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि अगर विंडो में हमें सर्च बॉक्स लाना है तो हम वो F3 वाला अगर छोड़ दें फंडा, तो उसको छोड़ के और हम कितने भी शॉर्टकट की का यूज करके सर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन है विंडो प्लस यस, ऑप्शन बी है विंडोज प्लस क्यू, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन। तो गाइज आपका ए एंड बी आपका होगा इसमें राइट आंसर, यानी कि आप जब भी विंडो के साथ क्यू प्रेस करेंगे या यस प्रेस करेंगे, आपका सर्च इंजन या सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो आई होप आपको ये काफी अच्छा समझ में आया है गाइज ये पूरा सेशन। अगर आपको इसमें किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। तो बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगी गाइज, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।